अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखो जैसे मूर्ति खंडित हो जाती है, लेकिन अगर सालेग्राम शिला आपके पास में है और वो किसी कारण एक से दो हो जाए तो सालेग्राम शिला कभी खंडित नहीं होती महाराज। और जो हम चरणामृत ग्रहण करते हैं ना, ये चरणामृत महाराज सालेग्राम जी को स्नान कराने के बाद ही बनता है। सालेग्राम जी को स्नान करवाते हैं, सालेग्राम जी की प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं है। एक सालेग्राम जी की, एक नर्मदेश्वर महादेव की, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती। क्यों? ये तो स्वयं ही प्रतिष्ठित है महाराज। नर्मदा में जो पत्थर गिरता है वो महादेव बन जाता है, महादेव का स्वरूप होता है। और गंडकी नदी में जो महाराज पत्थर गिरता है वो सालेग्राम का स्वरूप होता है। और सजनों इसके बाद में यहाँ वर्णन किया गया है कि जो लोग, बहुत सुंदर सजनों देखो यहाँ पर वर्णन क्या किया गया है, सालाग्राम शिला विष्णु स्तुलस्यास्तव संगम सदा सादृश्य रूपाया बहु पुण्य विवर्धिनी। जो व्यक्ति सालेग्राम और तुलसी का संयोग करवाते हैं उन पति और पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहता है। ज्यादा खटपट हो तो सालेग्राम पर भगवान के 108 नामों के द्वारा तुलसी चढ़ानी चाहिए। और सजनों एक बात ध्यान रखना, जो सालेग्राम शिला और तुलसी और शंख चूड़ को मारा ना भगवान महादेव ने, तो एक उसी के द्वारा एक शंख जाति प्रकट हुई, उसी के द्वारा, शंख चूड़ के द्वारा। तो शंख भगवान नारायण को तो प्रिय है, लेकिन शंख शिव को प्रिय नहीं है। ध्यान रखिएगा, शिव के मंदिर में शंख बजाना भी अपराध है, शंख रखना भी अपराध है, और शंख का जल छींटना भी, ध्यान रखिएगा, किया हुआ पुण्य भी छीन हो जाता है। महादेव बाबा के मंदिर में अगर शंख बजा दिया तो, या शंख महाराज वहां जल छोड़ दिया तो, शंख का जल नारायण पर चढ़ाया जा सकता है, शंख नारायण के मंदिर में, कृष्ण के, राम के मंदिर में बजाया जा सकता है, लेकिन महादेव के मंदिर पर शंख नहीं बजाया जाता। तो देखो जो व्यक्ति शंख तुलसी और सालेग्राम का सहयोग करवाता है, एक साथ रखता है, उनके यहाँ खूब आनंद रहता है। और जो व्यक्ति इनको अलग कर देता है तो वियोग हो जाता है। अच्छा एक बात और देखो, क्या सालेग्राम तुलसी और गंगा जल इन तीनों से बचता है चरणामृत। और चरणामृत लेते समय हम क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो सजनो इसका एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण यह है सजनों कि सालेग्राम और तुलसी और गंगाजल, देखो तुलसी में होता है पारा, विज्ञान भी इस बात को मानता है, इसलिए कहते हैं तुलसी दांतों से मत खाओ। क्यों? पारा दांतों को खत्म कर देता है। कई लोग पूछते हैं महाराज तुलसी दांतों से क्यों नहीं खाएं, माता है इसलिए। अरे माता नहीं महाराज, खाओगे दांत ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, तो पारा खत्म कर देता है। तो पारा शरीर को ताकत देता है, पर शरीर को पारा ताकत देता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पारा खा जाओ, वो पारा खाओगे तो मर जाओगे। पर तुलसी वाला जो पारा है ना वो तुम्हें फायदा देगा। तुलसी में होता है पारा, पारा शरीर को फायदा करता है। अच्छा गंगा जी में होती है सजनों, जो गंगा जी है उसमें अभ्रक की मात्रा ज्यादा होती है, अभ्रक जिससे कीड़े नहीं पड़ते महाराज। कोरोना काल में कितने लोगों ने गंगा जल पिया, कोरोना की कोई असर ही नहीं हुआ महाराज, इम्यूनिटी सिस्टम इतना बढ़ गया, क्योंकि वो तो वैसे कीटाणुओं को मारता है गंगा जल। तो आप देखो गंगा जी का जल लेके आओ, कीड़े नहीं पड़ सकते महाराज जिंदगी में, क्योंकि गंगा जल, वैज्ञानिक कारण बता रहा हूँ आपको मैं, आध्यात्मिक कारण तो ही गंगा माँ की महिमा ही है। और सालेग्राम में सोना होता है महाराज, सोना भी शरीर को पुष्ट करता है। सालेग्राम में सोना होता है, गंगा जी में अभ्रक होती है, और तुलसी में पारा होता है। ये तीनों मिलकर के जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए अकाल मृत्यु का हरण करने वाले बनते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये सालेग्राम आदि की सुंदर महिमा का यहाँ वर्णन किया गया, बखान किया गया।